आजिकाली मार्केट रे पिला मानंको पई अनेक प्रकारर पाउडर जातीय खाद्य मिलुछि जहा दाबी करे एहा खाइबा द्वारा पिला मानंको देहरे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबा सहित आंठुगंठी शक्तिशाली हेबो एवं एक सुस्थ मस्तिष्क सहित स्मृति शक्ति बढ़ाइबारे मध्य साहाज्य करिबो। किंतु आपण जानिछन्ति कि एही सब पाउडर जातीय खाद्य रे पिला मानंकर विकास ठु अधिक चीनी मात्रा होइथाय जहाँ विशेषज्ञ माने कहिछन्ति। बोनबेटारे 100 ग्राम प्रति 37 ग्राम चीनी मात्रा थिबा बेले कॉम्प्लान रे 21.8 ग्राम, बूस्ट रे 9.5 ग्राम एवं हॉर्लिक्स रे 13.5 ग्राम रहिछि। एहा उपरे बोनबेटा कंपनी निजर मत रखिछि एवं कहिछि जे पिला मानंकु परामर्श करा जाइथिबा दैनिक चीनी परिमाण ठारु एहा बहुत कम अटे। हिंदुस्तान यूनिलिवर मत अनुयायी ग्राहकों पसंद सहित मेल खाइला भली एथिरे चीनी व्यवहार करा जाइथाय। डाक्तर मानक मत अनुसार एक शिशु प्रतिदिन 25 ग्राम रु अधिक चीनी खाइबा उचित नुहे। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जागृति सांघवी कहिछन्ति मिश्रित चीनी खाइबा द्वारा पिला मानंकटि विरक्ति भाव देखा जाइथाय, सेमाने खूब शीघ्र थकि जाँति एवं आहुरी अधिक मीठा खाइबाकु इच्छा करन्ति। दैनिक शक्ति पाई एही चीनी रो कोनोसी आवश्यकता नाही। से आहुरी मध्य कहिछन्ति एही सब पाउडर जातीय खाद्य गुड़ी करे अधिक भाबरे मिश्रित चीनी रो व्यवहार करा जायछि एवं एहा कोनोसी प्रकार रे शिशु रो स्वास्थ्य रे उन्नति आनि नथाय। एहा केवल खीर रो स्वाद वृद्धि करबा पाई व्यवहार करा जायथाय जहा बहुत कम लोक माने जानि थांति। अधिकांश पिला माने खीर खाइबाकु पसंद करन्ति नै, सेथिपई मा माने खीर रे एही सब पाउडर रो व्यवहार करिथांति। पिलांको खाद्य रे माइक्रो न्यूट्रिएंट रो अभाव एक गुरुत्वपूर्ण समस्या अटे। तेबे एही पानीय गुडी करे थिबा जिंक इत्यादि रो उपस्थिति वास्तव रे शिशु रो सामग्रिक माइक्रो न्यूट्रिएंट आवश्यकता प्रति ध्यान देइ नथाय। आउ जणे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता कहिछन्ति ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବର୍ଗରେ ଆସିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ବେଳୁ ହିଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଡବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୋଷଣର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନହେବା ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ପିଲାମାନେ ମଧୁମେହ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶିଶୁଟିର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।